हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले देखिए, एक चैप्टर हमने वैध चालन पढ़ाया था, इसके 9 वीडियो दिए हैं। वो 9 वीडियो में पहले थ्योरी तैयार करेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है, और अब जो वीडियो है ये किसी भी प्रकार का आप कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नीट का, जेई का, जो भी आप देंगे सभी में आएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको तैयार करिए। देखिए मैंने सन डाल रखी है, सन देखे आपको पता चल रहा होगा। देखिए नीट में आया, जेई में आया 2010 में, यूपी बोर्ड में भी 2010-19 में आया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए कितनी ज्यादा सन पड़ी है, पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेके आया हूँ। और मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में आपको तैयार हो जाएगा। अब जो वीडियो आपको देंगे वो सब कम्पिटिटिव एग्जाम के होंगे। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे पिघलाकर इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बनाया जाता है तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। दूसरा देखो, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, और देखो कितने ज्यादा परीक्षाएं आए हुए हैं। ये हम जब यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं तब तो बड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ट्रिक में बताएंगे, शॉर्टकट, बहुत शॉर्ट में बताएंगे और बहुत जल्द आंसर आएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसका फार्मूला R अनुक्रमानुपाती L स्क्वायर, यानी बहुत सिंपल सा फार्मूला है, R अनुक्रमानुपाती L स्क्वायर, इससे निकाल दो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, R2 अपॉन R1, R1 R दे रखा है, देखिए L2, अब कह रहे हैं ना इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बनाया जाता है, यानी मूल लंबाई का मतलब ये दे रखा है कि L1 बराबर R, L2 बराबर कितना दे रखा है L, और कितना n गुना, यानी n l। अब देखो यहां वैल्यू लगा दो, l2 कितना लगा दे, n l अपॉन l का स्क्वायर, l से l कट गया, कितना आ गया n स्क्वायर, यानी n2 बराबर n स्क्वायर r, n2 बराबर n स्क्वायर r, यानी कि b सही है। कौन सा सही है, b सही है, हो गया। तो हमें इन क्वेश्चनों को हल भी करना है, लेकिन बहुत कम समय में, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करते हुए। दूसरा देखो, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, देखो तार की लंबाई खींचकर कितनी कर दी जाए, दोगुनी, तो यहाँ दो कर दोगे, दो का वर्ग कितना आएगा, चार, यानी आपके समझ में आ गया तुरंत, चार ओम आएगा, फोर ओम आएगा। देखो हल करके भी हम बता देते हैं, देखो दूसरा R अनुक्रमानुपाती L स्क्वायर से R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, बहुत शॉर्ट ट्रैक है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है इससे। देखिए R2 अपॉन R1 कितना दे रखा है, R L2 अपॉन L1 लंबाई कितनी कर दी गई, दो गुनी, और पहले माना L थी का स्क्वायर, L से L कट गया, दो का वर्ग कितना होता है, चार, L2 बराबर 4R, 4R देखो कौन सा सही है, यानी B वाला सही है, दूसरे का B सही है। इसी टाइप के और बहुत क्वेश्चन हैं, हमने जो बोर्ड में यूपी बोर्ड के हिसाब से वीडियो बनाए उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। देखिए क्या है, एक तार का प्रतिरोध आ रहा है, अब यहां लिखा होगा एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 15 ओम है, 10 ओम है, तब नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो R के स्थान पर 10 लगा देंगे। यहाँ देखा है दोगुना खींचा है, दोगुने लंबाई का हो सकता है आधी लंबाई का कहीं दिया हो, तीन गुनी लंबाई का दिया हो, चार गुनी लंबाई का दिया हो, तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, यूपी बोर्ड में भी आते हैं। इसके साथ साथ कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं। देख रहे हो कितनी ज्यादा सन पड़ी हुई है, और तैयार हो गया, 10 सेकंड सॉल्व करते हुए लगेंगे, 10 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस फार्मूले से, अब मैं इसमें कुछ दूसरे टाइप के बनाऊंगा, तो ठीक है इसको तैयार करिए, जी आपका क्वेश्चन निश्चित सही होगा।
एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध हो जाएगा। देखो एम्स में आया, देखिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी एक एक क्वेश्चन चार चार बार आ चुका है, चार चार प्रकार के एग्जाम में आ चुका है और बहुत सिंपल है। एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। इन्हीं पर जैसे यहां पर हमने जो फार्मूला बताया था वैसी ट्रिक यहां लगाइए, बहुत सिंपल है ये। क्या सूत्र इसका हम लगाते हैं, आर वन अपॉन डी की पावर फोर, यानी जो प्रतिरोध है ये व्यास के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस दे रखी होती तब भी यही फार्मूला लगाते, डायमीटर दे रखा है तब भी यही लगाएंगे। अब देखो क्या फार्मूला हो जाएगा, R1 upon R2 D2 upon D1 की होल पावर 4। यही हल कर देते हैं। देखो एक निश्चित लंबाई के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए R1, R1 को R मान लो, R2 आपको ज्ञात करना है, R2 आपको ज्ञात करना है। देखिए D1, D2, D2 कितना कर दिया गया, देखो व्यास कितना कर दिया गया आधा, यानी कि D1 बराबर D, D2 बराबर D अपॉन 2, व्यास आधा कर दिया। और R1 बराबर R, R2 आपको निकालना है। देखिए D2, D अपॉन 2 और ये DSI की पावर कितनी है, देखिए 4, इस D से ये T कट गया, यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 अपॉन 16। मल्टीप्लाई कर दो, R2 बराबर 16R, यानी पहले का कितना हो जाएगा 16 गुना, देखो 16 गुना ये, यानी कि D वाला सही है। कौन सा सही है, D वाला सही है, यानी क्वेश्चन 3 का D सही है। ओके, अगर हमने कहा रेडियस दे रखी होती तब भी यही लगाते। तो बहुत सिंपल तरीका है ये हल करने का, हमने क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर। जैसे इसमें हमने क्या कहा, n गुना कर दिया जाए तो उसका वर्ग कर लो, n स्क्वायर और जो दे रखा है उसकी गुणा। जैसे यहाँ 5 ओम दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 गुना, तो देखो 2 का वर्ग 4 और 5 4 5 20 उत्तर आएगा। ऐसे ही हल ही नहीं करना है, तुरंत आपने देखा नहीं आंसर बताओगे। देखो यहाँ लिखा है 2 गुना, यहाँ दिया होता 10 ओम तो 4 2 का वर्ग 4 और 4 से 10 की गुणा 40 ओम उत्तर आएगा। जहां दे रखा है 3 गुना तो 3 का वर्ग 9, यहां सपोज दे रखा है 10 गुना तो 9 ढाई 90 हो। कितने सिंपल है, यानी जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, हल ही नहीं करना पड़ेगा, इतनी सिंपल ये ट्रिक है। तो ये वाला इसमें क्या था, व्यास था, अगर रेडियस दे रखी होती त्रिज्या दे रखी होती तब भी यही फार्मूला लगाते, आर टू अपॉन आर वन कर देते हैं, हो गया हल। तो आज हमने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत छोटा है, तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।